Păi e, din unde are Iraclie? Călugia ce este zari bag prariu, îi e zi? Așa. Păi că e malvi to ne o gea? O, Dinu! O, malvi to ne ban gea tăi? मौलवियों से बचना, मेरा घर भी मौलवी के हाथ में उजड़ा है, मेरी बिनाई भी एक मौलवी के हाथ में गई है। हाँ, मौलवियों से बचना, मेरा घर भी मौलवी के हाथ में उजड़ा है। एक मौलवी के हाथ में मेरी बिनाई गई है। बचना है मौलवियों से। देखने आप फटाफट लगा वो क्या सर कहता है कि मस्जिद और मदरसे का डिजाइन चूंकि एक औरत को तैयार किया है इसलिए वो ये दोनों इमारतें नहीं बनने देगा दोनों इमारतें सर जी हाँ दोनों इमारतें मस्जिद भी और मदरसा भी दिस इज नॉट फेयर सर तेरा ख्याल है आज उसके डिजाइन की किसी मत चल अरे अरे सही ना सुना तो उसे अरे भाई अद्भुत नहीं है देखो इस दफ्तर के पहले मसले हल नहीं होते थे ऊपर से एक और मसला खड़ा कर दिया सर शरीना ठीक था कि दिस इज नॉट फेयर कितनी खुश थी उसने दिन रात मेहनत करके इस मस्जिद के डिजाइन को तैयार किया इस मदरसे के डिजाइन को तैयार किया उसकी नाराजगी बेजा नहीं सर तो मैं कब कह रहा हूं उसकी नाराजगी बेजा है हाँ अगर औरतों की तामीर कराई मस्जिदों में मर्द हजरात नमाज भी पढ़ते सदियों से औरतें मस्जिद तामीर करवाती चली आ रही है आज तक किसी आलम ने एतराज किया है इस बात पर प्लीज सर आप उस जाहिल जागीरदार के मुकाबले में आलिमों के फतवे न पेश करें बल्कि सर आप यूं क्यों नहीं करते कि उस मक्कार जागीरदार की जान को उसी पे उतार दें वो कैसे बोलो बोलो कैसे बताओ ना आप वेरी सिंपल आप गांव में ये ऐलान कर दें कि ये मस्जिद और मदरसा दोनों खवातीन के लिए क्या यस सर यहाँ पे बच्चियां दीनी दर्श हासिल करने के लिए आएंगी यहाँ कुरान पढ़ेंगे कुरान हिफ्ज करेंगे यहाँ दस्तकारी सीखेंगे इस तरह सर एक नई बात हो जाएगी बहुत अच्छी नवीन बहुत अच्छी शायद इस तरह हमारा वो नेक अमल बच जाए जिसे हमने अपनी बख्शिश का जरिया समझ लिया है वेरी गुड आइडिया बैठो बैठो तुम्हारी तजवीज की तफसीलात तय करते हैं सर वो सिग्नल मैं बेटा को बुला दू अरे हाँ बुलाओ बुलाओ भाई जल्दी से इसे मैं ला के लाओ हाँ सुनो तीन कॉफी का भी कह देना मेरा मतलब किसी को कह देना कि तीन कॉफी भिजवा दें राम क्या करना दिता जाल वालेकुम अस्सलाम तू कहां से आ रहा है पुत्र रफीक सवेरे सवेरे चाचा शहर गया हुआ था काम था अभी अभी सीधा शहर से ही लौटा हूँ तू सुना चाचा अच्छा अच्छा तभी
तुझे शायद पता नहीं है कि चौधरी रियासत अली ने चौधरी अल्लाह दित्ते का हुक्का पानी बंद कर दिया हुआ है, इसीलिए तू गलती से सलाम कर बैठा है। चलो शायद इसी वजह से तेरी माफी हो जाए। अच्छा मुझे माफी मिले ना मिले, पर तेरा हुक्का पानी क्यों बंद कर दिया चौधरी ने? मस्जिद बनवा रहा था ना अपनी जमीन पर, इसलिए। फिर क्या? चौधरी कहता है कि मस्जिद शहर जाके बनवा और जमीन मेरे पास बेच दे। वाह भाई वाह, मस्जिद की जरूरत गांव में है और बनवा जाके शहर में, क्या बात है चौधरी जी। ठीक है ठीक है, तुझे पता चल गया ना, तू मुझे गलती से सलाम कर बैठा था इसलिए कि तू शहर गया हुआ था। जा बेटा जा, तू भी गांव वालों की तरह मुझसे दूर रह, दूर रह मुझसे, कहीं तेरे मुंह पे चीचक ना निकल आए, तेरा भी तेरा दागदार ना हो जाए। जा जा बेटा जा, जा बोला जाए तेरा जा, जा। मुंशी जी लिखे 40 फुट और लंबाई की चौड़ाई, चौड़ाई 40 चौड़ाई और लंबाई कितनी? 7 फुट। 7 फुट लंबाई। और मुंशी तू मेरे घर में क्या कर रहा था? तो मैच कर रहा हूँ तुम्हारे घर की। मैच मेरे घर की? क्यों? अच्छा अपनी बीवी से पूछ क्यों? इसका जवाब उसके पास है। तुमसे तो ज्यादा असल मन तुम्हारी बीवी है। मेरा दिमाग ना था, मुझे और भी बहुत काम करने हैं। क्या बात है आप? तू से होटा ली? और ये मुंशी क्या कर रहे आया था यहाँ? मुंशी? हाँ वो अपने मैच लिखने आए थे, हमारे पूरे पारर भेड़े की मैच। और क्या हो? तो कह रहे थे हमने चौधरी से बात कर लिया, उन्होंने इजाजत दे दी हमें लाहौर जाने की, और जमीन और मकान के पैसे भी नगदो नगद मिल जाएंगे। रजिया रजिया तू क्या जाना चौधरी क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? वो अपनी जमीन में दावा करना चाहता है, वो हमारे घर को आने कौने दामों खरीदने की बात कर रहा है, और वो देगा हमें कुछ नहीं सिवाय कष्टों के। अच्छा तो तू क्या कर लेगा, क्या कर लेगा? जवाब दे, बोल। बोलता क्यों नहीं? मुझे चुप ही रहने दे, अल्लाह की रहमत है मुझ पर आस्था आस्था बरस, इतनी तेजी के साथ ना बरसेगा फिर मुझे गुस्सा आ जाए। आ गया ना अपनी बात पर, क्या करेगा तू है? मारेगा मुझे, मारेगा ना? ले पक्का ठंडा पक्का, मार मुझे मार। और इसके अलावा तुम मर्द लोग कर भी क्या करते हो? जब तुम से कुछ नहीं होता ना तो औरतों के ऊपर हाथ लाने लगते हो। उठाओ डंडा, मारा मुझे है, और वो
चौधरी के बने जब तुझे मार रहे थे, तेरी हड्डी पत्नियां एक कर रहे थे और मैं चुपचाप खड़ी रहती ना तमाशा देखती रहती, तो तू अब तक मंदी से ना उठता, तेरा तो बोलू राम हो गया था। बोलू राम? बोलू राम? हाँ हाँ बोलू राम। तो कौन कहता तुम्हें मुसलमान? वो बदबख्त चौधरी तुम्हारे गांव में एक मस्जिद तक तो बनने नहीं देता, और तुम तो मर्द लोग जू बैठे जैसे मुंह में चुनिया डाली होती है। मैं तो तीन मर्द के बच्चे हो ना तो निकला मैदान में खड़ी का दम थी रातों रात, पर कैसे कर दो मुर्दारो तुम तो अपनी कमजोर और बेबस औरतों को तुम कहीं दे सकते हो। मुझे तो सिर्फ ये पता है कि तेरा पुत्र या हल्का था दोनों चोर है और तू थामू है थामू। नहीं चौधरी जी नहीं, वो मुंशी को गलत समझ हुई है जी, उसने आपको गलत सुना। वो दीदी गलत इतला दी है उसने मुझे। वो बिशीरिया जी चौधरी जी, वो मेरे साथ कोई झूठ बोले तो मैं उसे क्या सजा देता हूँ? दस जूते लगवाते हैं चौधरी जी उसके सर पे, दस जूते गेम के। और दीदी ओए अगर तो मुंशी ने मेरे साथ झूठ बोला है तो उसके सर पे दस जूते लगेंगे, और अगर तूने झूठ बोला है तो लाखों फिर किसके सर पे जूते मारेगा? जूते आप इतने मर्जी मार लें चौधरी जी, पर इतवार को जाना है फजलदीन ने सऊदी अरब, आज जल्दी कुछ करें। तो सऊदी अरब जा रहे हैं उसने इतवार को चौरी फजलदीन साहब ने सऊदीया जाना है, फ्लाइट मिस ना हो जाए। वो लाखू जी चौधरी, वो जा थानेदार के पीछे, वो मेरी इतला के मुताबिक वो फैसलाबाद गया है एसएसपी के सामने पेश हो रहे, वो उसे कह एसएसपी के हुक्म को जमके बाहर में और वापस आए जल्दी से। वो चौरी फजलदीन ने सऊदीया जाना है, फ्लाइट मिस ना हो जाए। बात तो नहीं हो रही क्या हमारी है बात? नहीं दीनुआ, वो बात तो है तुम्हारी, वो दो एकड़ अराजी जो है आप लोगों की, वो लड़का चला गया सऊदीया तो उसे कौन काश्त करेगा? अभी बात नहीं उसकी माँ से। तो क्या कहा उस बख्ता मारी? हाय हाय हाय, पहले खामद मर गया, अब लड़का छोड़ के सऊदीया जा रहा, क्या करेगी वो बेचारी? वो कहती है कि काका जमीन का हल खिला दिया करेगा और पानी वगैरह मैसेज लगा दें। लो देखो, अब बताओ, अब ये आजकल के छोकरे औरतों से काश्तकारी करवाएंगे?
कितना शौक है उसे सैर सपाटा करने का, सऊदीया जाने का। उधर जाके चार पैसे जेब में आ गए तो सरकार उधर यूरोप की तरफ निकल जाएगी। हाय, उधर चार पैसे आ गए तो अमरीका जाएंगे। वो ये सब अमरीका पहुंचना चाहते हैं, अपने मुल्क को छोड़ के उधर भाग रहे हैं। अपने मुल्क का क्या बनेगा, इधर कौन काम करेगा। बात सुन दी और जा उसकी मां को जाके कहे और थानेदार का इंतजार न करे, वो दो एकड़ अराजी मेरे हवाले करे और लड़के के साथ सऊदीया चली जाए, उमरा शुमरा कर लेगी। और अल्लाह ने अगर लंबी जिंदगी दे दी तो हाजी भी कर लेगी। है जी, अल्लाह ताला हम सबको हज करने की तौफीक अता फरमाए। हाय हाय, मीना जी, बेबी जी क्या बता रही हो आज? जो आप कहेंगे बेबी जी। बाजार से कुछ मंगाया है क्या? नहीं बेबी जी, सब्जी वाला आया था, मैंने कचनार ले लिया। आपको पता है 10-15 दिन की मेहमान होती है कचनार। अच्छा सर, कचनार ही ठीक है, पर पताना जरा चटपटी सी, खट्टी 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 सी। क्यों, ये कचनार में दही वगैरह नहीं पकता क्या? बीबी जी, कचनार को छोड़े, मैं आपको अचार ला दूं। हाँ अचार भी रख देना, पता नहीं शौकत है ना, अचार बहुत शौक से खाते हैं, चटखाए ले लेते। सब बुरा लगता है मुझे ये अचार, खाने वाला खाता ही जाता और मुंह में पानी आता जाता। नीलम को देखो तो कहीं मैं मोटी तो नहीं हूँ? नहीं बीबी जी, आप तो माशाल्लाह वैसी की वैसी हैं। अच्छा वैसे पता नहीं क्यों कल से मुझे वहम हो रहा है कि मैं जैसे मोटी हो रही हूँ। मीना, ये हम लोग मोटी क्यों हो जाते हैं? बीबी जी, बच्चों में फंस कर हम लोग ऐसे हो जाते हैं, बच्चे मखमल होते जाते हैं और हम खद्दर, बल्कि ताक। माए होती शायद इसलिए है। माँ, मैंने तो माँ को देखा ही नहीं मिली, ये माए मर क्यों जाती है? बीबी जी, माँ तो होती मरने के लिए, औलाद पर कुर्बान होने के लिए होती हैं ये माए। काश मेरी कोई औलाद होती। बेशक तुम उसे छोटा सा छोड़कर मर जाती। बेशक मर जाती, मगर उलाद तो देख लेती, मुंह तो चूमती अपने बच्चे का, चाहे एक बार ही चूमती। नहीं नहीं, माँ को मरना नहीं चाहिए, माँ को हमेशा जिंदा रहना चाहिए, और अगर जिंदा ना रह सकती हूँ तो जन्म ही नहीं देना चाहिए औलाद, जन्म ही नहीं देना चाहिए। तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर दिया।
रही लोग मुझे बिल्कुल तरह कर काट कर रखती है गाँव वाले ये तो और भी अच्छा अच्छा हो गया वो कैसे चौधरी ने तुम्हारा बायकॉट करके तुम्हारी कोशिश को खालिस और तन्हा तुम्हारी कोशिश बना दिया है। तुम उसके तावन से भी सबक दोष हो गए हो बोझ भी उतर गया कांधे से और वो अल्लाह की जमीन पर फसाद फैलाते फैलाते अल्लाह के नाम वक्त की हुई जमीन को हथियाने के चक्कर में अंधा हो गया है। अंधा तो वो पहले ही था अब तो नाबीना से आत्मक नाम देखोगे यार माफी की क्या बात है यार गलती तो मेरी थी मैं ही उस जमाने की तरफ देख रहा था ये पूछा था पहले बिल्कुल ठीक था क्या मतलब ये स्कूल टीचर स्कूल टीचर हाँ ये स्कूल का पहला और आखिरी टीचर आखिरी टीचर यार एक स्कूल टीचर का इतना बुरा हाल
सर्दी स्कूल से भी बुरा। अच्छा कहाँ पे है इसकी? ये हमारे गांव में। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको बता दूँ। चलो देख लेते। हाँ से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला जाता है। और सालिम की सबसे बड़ी दुश्मन उसके अपने सीने में जलने वाली नफरत की आग होती है। लोग पै दर पै उसकी नफरत का निशाना बनते चले जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी नफरत का शिकार होने वाले लोग उसे अपनी नफरत का हदफ बना देते हैं। न देता इतने लोगों की नफरत का हदफ भला कितने दिन सलामत रह सकता है? तू हम नदा अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। वो बहुत बड़ा मनसूबा कर रहे हैं। तुम अपने काम का मुआवजा देने से इंकार कर रहे हो? हाँ, तुम जानती है कितनी बड़ी रकम लाखों में लाखों में जानती हूँ। ये भी मुझे नहीं चाहिए। जानती हूँ मैं भी। मैं नहीं चाहती कि मदरसे और मस्जिद की दुकानें किसी कमर्शियल में आए, क्योंकि मैं तो ये चाह रही हूँ कि कैसे कैसे इतना कमर्शियल निकाल। ये तो बहुत बड़ी बहुत बड़ी तब्दीली है। नहीं, बहुत बड़ी तब्दीली नहीं है।
जानते जब मैंने मछली से रिजाइन करना शुरू किया था तो मेरा निकाल दो तुम तो बहुत बड़ा फॉर्म तो नहीं जैसे जैसे मैं मछली को रिजाइन करती थी बहुत मेरे सामने आती थी खूबसूरत है ना खुदा करते और अब तो इस मस्जिद के मीनारों के छाए मेरी खूब और पढ़ने लगे हैं कृष्णा नदी ये मस्जिद जरूर तामीर मैंने अपनी तस्वीर की आंख से देखा दुनिया से अपनी आंख से जरूर देखेगी वो दिन नदी वो दिन मेरी जिंदगी का बहुत 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 बड़ा दिन होगा खुशी नहीं आप चाहते क्या तुम मुझसे बात न कर ये चाहता हूँ मैं चौधरी साहब पंडितया समझ गए चौधरी साहब बिल्कुल समझ गए आप ठीक कहते हैं मगर हमारी मजबूरी ये है कि हमारा ये रोजगार है हमें ये मदरसा और स्कूल बनाने का ठेका मिला है इसलिए हमें तो वही कुछ करना है जो बनवाने वाले में खूबसूरत है ना खुदा करते मेरी और अब तो इस मस्जिद के मीनारों के छाए मेरी खून फिर पड़ने लगे हैं कृष्णा नदी ये मस्जिद जरूर तामीर है मैंने अपनी तस्वीर की आंख से देखा दुनिया से अपनी आंख से जरूर देखी है वो दिन नदी वो दिन मेरी जिंदगी का बहुत 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 बड़ा दिन होगा खुशी नहीं तो क्या आप चाहते क्या तुम मुझसे बात न कर ये चाहता हूँ मैं चौधरी साहब पंडितया समझ गए चौधरी साहब बिल्कुल समझ गए आप ठीक कहते हैं मगर हमारी मजबूरी ये है कि हमारा ये रोजगार है हमें ये मदरसा और स्कूल बनाने का ठेका मिला है इसलिए हमें तो वही कुछ करना है जो बनवाने वाले ने चाहना हमारी तरफ से कोई मस्जिद बनवाए या धर्मशाला बनवाए हमारी तो यही रोजी है आप तो समझते ही चाहिए जी आपकी दया दिलीता और बुलंद दृष्टि का यही तकाजा है कि आप मुझे ये काम करने की इजाजत दें इजाजत इजाजत तो मैंने दे देनी थी सारी बाबू मगर ये चौधरी अल्लाह दत्ता ने बीच में बोल के मुझे मेरे इरादे पे अटल कर दिया अब गांव में कोई आदमी ये तो नहीं कह सकेगा ना कि चौधरी ने पहले हुक्म दिया और फिर खुद ही हुक्म वापस ले लिया आप ठीक कहते हैं चौधरी जी लेकिन मैं आपसे हुक्म वापस करने के लिए तो नहीं कह रहा जनाब मैं तो आपसे एक नया हुक्म जारी करने की दरखास्त कर रहा हूँ जी बात करना आती है तुझे शरी बाबू बात करना आती है तुझे शहद टपकता है तेरी जुबान से
आती है तेरे अंदर। आज भी अच्छी चीज है, आज भी अगर दूसरे भी हो तो। सुभान अल्लाह जी, क्या पसंद है आपकी चौधरी जी, आप ठीक है। तो जी मुझे इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है कि मुझे इस तामिया की काम की इजाजत दे दीजिए, मैं जाती तौर पर आपका एहसान मंद रहूंगा। तू भी मेरा एहसान मंद नहीं रहेगा शहरी बाबू, नहीं रहेगा तू भी मेरा एहसान मंद। ये सितारों का खेल है, मुकद्दर का चक्कर है। मेरे मुकद्दर के सितारे किसी को भी मेरा एहसान मंद नहीं रहने देते। हम मैं इसे कहता हूं उम्मत रिश्ता न बना, शहर जाके बना ले, यहां गांव में ये फसाद बर्पा न कर। मगर ये नहीं सुनता। मैंने कहा इसे हमारे गांव को माफ कर दे, मगर माफी तो इसके पास है ही नहीं, नहीं माफ करता जी, बात ही नहीं सुनता ये मेरी। बहरा है बहरा, हम एक बहरे और अंधे का मुकदमा और खराब करने के लिए शहर से वकील आ गया है। नहीं तो जी नहीं, मैं वकील तो नहीं हूँ जी, मैं तो ठेकेदार हूँ जी, ठेकेदार। हाँ, ये भी तो ठेकेदारी करना चाहता है, मजहब की ठेकेदारी। जी चौधरी साहब, फिर किसी बदबख्त ने आपको गलत बताया। ये मजहब की ठेकेदारी तो तब संभालते ना जब ये मदरसा और स्कूल लड़कों के लिए बनाते। और कौन पड़ेगा इस मदरसे में? लड़कियां चौधरी जी, लड़कियां, गांव की बच्चियां कुरान पाक पढ़ेंगी, कुरान पाक हिफ्ज करेंगी और औरतें पढ़ाएंगी उनको। बल्कि मस्जिद और मदरसे का तमाम इंतजाम औरतें संभालेगी। मर्द तो जी इस मदरसे के करीब भी नहीं भटक सकेंगे। हाँ, कैसे भटकेंगे, कैसे भटकेंगे भला? औरतें मदरसे में होंगी तो घर में झाड़ू बर्तन कौन करेगा? उनके मर्द ही करेंगे ना। उनको झाड़ू बर्तन खुद मिलेगी तो मदरसे के पास फटके लेना। देख शहरी बाबू, तू मुझे मजबूर ना कर, मैं तुझे इनकार नहीं करना चाहता था, मगर चौधरी अल्लाह दिते के लिए अब इस गांव में कोई जगह नहीं है। मैंने खुद इसके तरफ से दो दफा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मगर इसने मेरा बना हुआ हाथ झटक दिया। अब इसका रास्ता अलग है और हमारा रास्ता अलग। तो खुर्शीद साहब अपनी तमाम कर सलाहियतों के बावजूद